चलो बोलते हैं। शेड इज वाई यार, वीडियो देख के इंस्पायर होके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मत ऑर्डर कर लो। तो एक ऐसा कंसीलर तो चाहिए ना जो मेरे डार्क सर्कल्स को छुपा दे। रियली यार, ये बहुत अच्छा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो काफी रैंडम होने वाली है, मैं इसके लिए कोई भी प्लानिंग पहले से नहीं किया था। एक्चुअली मैं अभी बैठी थी, फोन यूज कर रही थी, तब तक मेरे नायका के पार्सल्स रिसीव हुए। वैसे ये पार्सल्स मुझे कल रिसीव होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा मैं कोई हॉल वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज कल ही मुझे ट्रिप के लिए निकलना है। बट ऑल थैंक्स टू नायका कि उन्होंने आज ही डिलीवर कर दिया सारे प्रोडक्ट्स। तो मैंने सोचा कि पैकिंग करने से पहले क्यों ना मैं एक छोटा सा हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नायका से क्या क्या परचेज किया है। तो इस डब्बे में मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स रख लिए हैं। मैंने इस डब्बे को खोल के देखा है कि सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के पेपर वो अलग करके रख लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, फटाफट से मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकूँ। चलो बोलते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में आया ये लक्स का शावर जेल। ये है लक्स एसेंस ऑफ हिमालयस लैवेंडर एंड विटामिन सी बॉडी वॉश। लक्स का मैंने कभी भी बॉडी वॉश नहीं यूज किया है, मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज करूंगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट है ये लॉरियल का सीरम। दिस इज लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम। ये मेरा सेकेंड बॉटल है, इसकी एक बॉटल मैंने ऑलरेडी खत्म कर दी है और मुझे ट्रिप पे जाना था तो मेरा वो सीरम खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो ये मेरे लिए नया नहीं है, मैंने इसे यूज किया है एंड लिटरली ये बहुत अच्छा है। अगर आप भी कोई अच्छा हेयर सीरम ढूंढ रहे हो तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड यार, सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस याद ही नहीं है। अगर मैं आपको एमआरपी बताऊंगी तो वो रॉन्ग होगा क्योंकि मैंने एमआरपी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे खासे डिस्काउंट में मिले हैं। सो नेक्स्ट आई बॉट दिस मेबिन का कंसीलर। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है हाउ मच आई लव दिस कंसीलर। ये है मेबिन इंस्टा एज रिवाइन इरेजर मल्टी यूज कंसीलर एंड आई एम इन द शेड कैरमल। शेड मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है एंड इतने डार्क मेरे डार्क सर्कल्स है ना, उनको तो ये बहुत अच्छे से हाइड कर देता है। एंड इसके पहले मैं आई थिंक 2 या 3 कंसीलर ख़त्म कर चुकी हूँ और इससे पहले वाला मेरा कंसीलर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिप पे जाऊँगी तो मेकअप तो करूँगी और ट्रिप पे जाना मतलब कि ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम, तो डार्क सर्कल्स और ज़्यादा विजिबल होंगे। तो एक ऐसा कंसीलर तो चाहिए ना जो मेरे डार्क सर्कल्स को छुपा दे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट 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 वाला कंसीलर है, आई लव दिस कंसीलर। नेक्स्ट आई हैव पिक्ड अप दिस नेल पेंट फ्रॉम फेसेस कैनेडा। फेसेस कैनेडा का नेल पेंट मुझे बहुत पसंद है एंड स्पेशली ये वाला शेड तो मैं दूसरी बार परचेस कर रही हूँ क्योंकि पहले जब परचेस किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो इसलिए मैंने दोबारा परचेस किया ताकि मैं ट्रिप पे इसे यूज कर सकूँ। ये काफ़ी अच्छा न्यूड कलर है। इसके शेड की बात करूँ तो ये है आई थिंक फ्लोरल ड्रीम बोल के शेड है। तो अगर आप सर्च कर रहे हो कोई न्यूड नेल पेंट की तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये डर्माको का सनस्क्रीन। फिलहाल मेरे सारे सनस्क्रीन ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने ये सनस्क्रीन ऑर्डर किया। ये है डर्माको का 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल स्क्रीन है एंड लिटरली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो अगर ट्रैवलिंग करते टाइम ये सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सही है क्योंकि सनस्क्रीन ब्लेंड करना एक टास्क होता है खुद में ही। तो अगर आप ये सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्लेंड करने में और अंडर मेकअप के लिए ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। वैसे मैंने एक और सनस्क्रीन ऑर्डर किया है जो कि है फ्रॉम डॉक्टर सेठ। ये है डॉक्टर सेठ का सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। वैसे दोनों सनस्क्रीन ही SPF 50 है एंड दोनों ही 80 ग्राम्स के हैं एंड दोनों सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा था इसलिए मैंने दो दो ऑर्डर कर दिया बिकॉज सनस्क्रीन की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, तो मैंने सोचा कि अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है तो क्यों ना मैं ले लूँ। वैसे 80 ग्राम का पैक मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, मैं हमेशा 50 ग्राम वाले पैक ऑर्डर करती थी। सो दिस इज द सनस्क्रीन। ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लेंड करने में बट कोई वाइट कास्ट नहीं देता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है।
नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर दिस रेने का लिक्विड लिपस्टिक. अगर आप मुझे जानते हो और मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये लिपस्टिक मुझे कितना पसंद है. लिपस्टिक मैंने स्मिटन ऐप से मंगाया था, वो भी ट्रायल में, क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक पसंद नहीं थी. बट आफ्टर यूजिंग दिस लिक्विड लिपस्टिक ना मुझे लिक्विड लिपस्टिक अच्छे लगने लगे. बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं दूसरे लिपस्टिक में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने यही लिपस्टिक दोबारा भी ऑर्डर किया है. अगर आप भी मेरी तरह लिक्विड लिपस्टिक के फैन नहीं हो ना, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना. अब कोई ज्यादा प्रोडक्ट्स तो बचे नहीं है. नेक्स्ट है ये इनसाइड का नेल रिमूवर. वाइप्स वाले जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं. तो मैंने ये नेल पेंट रिमूवर मंगाया क्योंकि पहले वाला खत्म हो गया था और मुझे ये नेल पेंट रिमूव करके दूसरा वाला लगाना ही है. अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है ना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये रेने का मिनी परफ्यूम. इस परफ्यूम के बारे में मैंने बहुत सुना है और मैंने ये भी सुना है कि ये परफ्यूम लग्जरी परफ्यूम का ड्यूप है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं. एंड मैं इसे अपने ट्रिप पे जरूर लेके जाऊंगी और ट्राई करूंगी, देखूंगी कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये. वैसे ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पर अब अंडर 300 मुझे ये मिला है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा है. प्लस मैंने सुना इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छा है, तो लेट्स ट्राई. आई क्वाइट लाइक दिस, बट देखते हैं ये लास्ट कितनी देर तक करता है. रियली यार ये बहुत अच्छा है. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नाइका का आई शेडो. वैसे जितने प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किया था ना, वो सारे इतने ही थे. ये प्रोडक्ट मुझे नाइका ने एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया है. अच्छा, मैं ना जानबूझ के अक्टूबर के टाइम में कुछ ना कुछ परचेस करती हूँ ताकि मुझे नाइका की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले. एंड लास्ट दो टाइम से मुझे नाइका की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा है. एंड एवी वो बस कुछ भी नहीं भेज देते हैं. वो अगर कुछ भी भेजते हैं ना, तो लिटरली बर्थडे गिफ्ट में जो भी आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है. वैसे तो जितने फ्रीबीज आते हैं ना, मुझे कुछ खास नहीं लगते, स्पेशली लिपस्टिक. मुझे जितने बार भी फ्री में लिपस्टिक जो मिले हैं ना, शेड इज वाई याद, मुझे एकदम पसंद ही नहीं आते, पता नहीं क्यों वो सारे शेड्स. बट इस बार उन्होंने मुझे भेजा है ये आई शेडो पैलेट. लुक एट दिस, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसमें. एंड ये वाला नायका का आई शेडो मैं पहले यूज करती थी, आई थिंक 1-1.5 साल हो गए मुझे यूज किए हुए, और वो ना टूट के गिर गया था. तब से मैंने उसे यूज करना बंद कर दिया था, तो मैं इसे ट्राई करना जरूर चाहूंगी. वैसे तो मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स है अभी, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल. मुझे पता नहीं मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, पर अभी मैं इसे पैक करके रख देती हूँ. तो बस यही था, डब्बा पूरा खाली हो गया. तो बस यही कुछ छोटे मोटे चीज थे जो कि मैंने ऑर्डर किया है. एंड मैंने जो भी ऑर्डर किया है वो सब मुझे जरूरत थे, तभी मैंने ऑर्डर किया है. और अभी ना नाइका पे कोई सेल भी चल रहा है, मुझे याद तो नहीं है कौन सा सेल चल रहा है, बट या कोई सेल तो चल रहा है. आई होप आपको ये रैंडम नाइका हॉल वीडियो पसंद आया हो. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय.